हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौंदर्या विला। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी सेफ होंगे। और गाइज, बाहर जाएं तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर करें, ये आपको सेफ रखेंगे। और हाँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और हमेशा हंसते रहें, कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अ प्रोडक्ट रिव्यू विच इज़ बाय सेटाफिल। तो गाइज, दिस इज़ द प्रोडक्ट, यू कैन सी दिस इज़ द सेटाफिल DAM डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। गाइज, सेटाफिल के बारे में मैं एक बार आपको बता दूँ, ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस है और अब ये इंडिया में भी ईजिली अवेलेबल है। तो आप केमिस्ट शॉप से परचेज कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स ईजिली, और अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इसके ऊपर एक बार जो भी मैंशन है मैं आपको क्लियर कर दूँ। सेटाफिल DAM डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, फेस एंड बॉडी ड्राई सेंसिटिव स्किन, क्लिनिकली प्रूवन टू हाइड्रेट ड्राई स्किन फॉर 24 आवर्स। गाइज, मेरी सेंसिटिव स्किन है इसलिए मैंने ये वाला स्किन टाइप परचेज़ किया है। और इसके अंदर है ना, एक बहुत अच्छी बात है कि सेटाफिल के जो क्लिंजर हैं या मॉइस्चराइज़र हैं, इनमें आपको काफ़ी सारे स्किन टाइप्स अवेलेबल होंगे, लाइक ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली कॉम्बिनेशन। तो आप अपने स्किन के टाइप से आप परचेज़ कर सकते हैं। गाइज, इसके अंदर एक ऑल स्किन टाइप्स का भी है मॉइस्चराइज़र या फिर क्लिंजर, तो आपको अगर अपने स्किन टाइप पता नहीं है तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, वो सबकी स्किन पर शूट करता है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 की इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोटेक्ट्स ड्राई स्किन एंड एनहेंसेस हाइड्रेशन। गाइज, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है 5 की इंग्रेडिएंट्स का, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, कीप्स स्किन मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड, लीव्स योर स्किन फीलिंग सॉफ्ट, हाइड्रेटेड एंड स्मूथ। ये आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है। नॉन कॉमेडोजेनिक है, नॉन इरिटेटिंग है, नो फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। गाइज, नॉन इरिटेटिंग ये है ना आपकी स्किन, मैंने इसको जितने टाइम यूज़ किया है मुझे कभी भी कोई इरिटेशन फील नहीं हुआ। एंड हाँ, ये कभी भी कोई इरिटेशन नहीं देता है। नॉर्मल एक प्रोडक्ट आता है जैसे जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे बिल्कुल सूट करता है। सीरियसली, मैंने खुद की स्किन पे फील किया है। और ये फ्रेग्रेंस फ्री है गाइज, इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती है। अब इसको ओपन करोगे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आएगी इसके अंदर से। तो इसलिए अगर आपको है ना ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज करें। एंड ये रेकमेंडेड है, मुझे भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसका क्लिंजर और ये मॉइस्चराइजर रेकमेंड किया था। तब से मैं क्लिंजर काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर मैं अभी कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये रिव्यू लेकर आई हूँ। और सेटाफिल का जो क्लिंजर है उसका रिव्यू मैंने पहले से अपने चैनल पर कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और गाइज, मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं सेटाफिल का जो मॉइस्चराइजर है उसका रिव्यू दूँ। तो गाइज, मैं आपके सामने सेटाफिल मॉइस्चराइजर का रिव्यू लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। ओके, इसके ऊपर गाइज ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे, ये मैंने प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसके ऊपर गाइज इतना ही मेंशन है। और ये मैं आपको बता दूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम की है। और इसकी जो प्राइसिंग है गाइज, ये है 166 रुपीज़। अब आई थिंक बढ़ गई होगी, जब मैंने परचेज़ किया था जब 166 थी। ओके, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो गाइज 3 ईयर्स की है। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर्स तक, काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लाइफ है, आपको आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर प्रोडक्ट पड़ा भी रहता है तो आप इसको ईजिली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके देन गाइज, ये इसके आउटर पैकेजिंग है, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको इनर पैकेजिंग। गाइज, दिस इज़ द इनर पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, यू कैन सी। ये काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग लगती है मुझे 30 ग्राम की। इसके अंदर बड़ा वेरिएंट पे आता है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। मैं सारी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लें एक बार। ओके, देन इसके ऊपर गाइस जितना इस पर मेंशन है वो सब इसके ऊपर मेंशन है, ये बहुत अच्छी बात है। कई कई चीज़ों पे क्या होता है, जो कार्डबोर्ड पे पैकेज मेंशन होता है वो इस पर मेंशन नहीं होता पूरा, तो हम कार्डबोर्ड को तो कभी भी फेंक देते हैं, क्योंकि कौन रखता है कार्डबोर्ड, थोड़े से टाइम के लिए रखेंगे फिर फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे। देन है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके ऊपर सारा मेंशन है। सबसे अच्छी बात इसके है ना, जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। यू कैन सी ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये क्या है कि ये सीरियसली हम देखते हैं ना तो भी काफ़ी हाइड्रेटेड लगती है, मतलब मैं ऐसे देखती हूँ इसको तो मुझे बहुत हाइड्रेटेड लगती है। इसलिए मैं थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए पैकेजिंग, जिससे है ना लुक आपको मतलब यूज़ करना इजी लगे। तो गाइज, मैं एक बार आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। यू कैन सी इस तरीके से ओपन होता है। नॉर्मली जो भी क्रीम ओपन होती है, लाइक ट्यूब क्रीम्स, वैसे ओपन होता है। यहाँ पे एक छोटा सा होल है जहाँ से ये प्रोडक्ट निकलता है, तो मैं आपको प्रोडक्ट की जो भी इसका टेक्स्चर है वो दिखा देती हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द टेक्स्चर गाइज,
ये ना वाइट कलर का एकदम, लेकिन एकदम बहुत ही लाइट वेट लगता है गाइस। जब भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये काफी जल्दी है ना, ये आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है। यू कैन सी, ये काफी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। अभी मेरा हैंड इतना सॉफ्ट लग रहा है सीरियसली गाइस। और ऐसे में जैसे मैंने फेस पे, हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, वैसे ही आपको फेस पे क्या करना है, फेस पे लेना है, देन डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। आप एकदम से पूरा प्रोडक्ट अप्लाई ना करें, ओके, डॉट डॉट करके अप्लाई करें ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए और अच्छे से है ना, मतलब आपके पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर सके। ये गाइज, ये बिल्कुल बिल्कुल ऑयली नहीं लगता है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और इसलिए मेरे को ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है। आई लव दिस मॉइस्चराइजर गाइज। तो गाइज ये था मेरा प्रोडक्ट रिव्यू आज का। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और गाइज आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इस प्रोडक्ट को, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सूट नहीं कर रहा था, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। एंड गाइज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद परचेज किए हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।